हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि आज 1 फरवरी है और हमारे वैसे सहारा पीड़ित दर्शक जो अभी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं वो बार बार यह मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आखिर आज के आंदोलन में दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको यह इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलहाल अभी क्या चल रहा है और आज जो आंदोलन आहूत है दिल्ली के जंतर मंतर पर उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है, वहां कितनी भीड़ है, कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के नए नए वीडियोज़ आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं और सहारा पीड़ित हैं, चाहे आप सहारा के निवेशक हैं या फिर सहारा के एजेंट हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले एक बहुत बड़ा आंदोलन आहूत किया गया है। इस आंदोलन की तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही थी और आज वो दिन आ गया। आज सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों का, सहारा निवेशकों का पहुंचना जारी है। आप लोगों को पता है कि इस आंदोलन को करने की दिल्ली पुलिस ने जो समय सीमा निर्धारित की है वो दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, अर्थात सिर्फ 3 घंटे का समय दिल्ली पुलिस के द्वारा दिया गया है कि इन 3 घंटों में आपको जो भी आंदोलन करना है, जो भी रैली करनी है, जो भी आपको करना है, आप सिर्फ 2 से 5 बजे के बीच कर सकते हैं। तो उसको लेकर जो सहारा के निवेशक हैं, सहारा के पीड़ित हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी फ़िलहाल दिल्ली में बारिश हो रही है, तो जहां इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंचने की उम्मीद थी, अब इस बारिश के चलते कुछ लोगों की संख्या कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि दिल्ली में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में अचानक से बारिश का शुरू हो जाना भी कहीं ना कहीं जो लोग दिल्ली के अगल बगल के थे, जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के रहने वाले थे या जो सोच रहे थे कि आज 2 बजे तक वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचेंगे, ऐसे में जब अचानक से बारिश शुरू हो गई है तो उन लोग अभी फ़िलहाल तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो लोग दूर से पहुंचे हुए हैं, जो लोग कल ही पहुंच चुके थे या फिर जो लोग आज सुबह पहुंचे हैं, वो लोग अब जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर ज़बरदस्त रूप से तैयारी की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा भीड़ जुटेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहारा के कार्यकर्ता, एजेंट, पीड़ित निवेशक पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि मौसम की मार है, लेकिन फिर भी सहारा पीड़ितों का हौसला अभी टूटा नहीं है और वो अपनी मांगों के समर्थन में आज इस रैली को ज़रूर सफल बनाएंगे। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से दिल्ली के रहने वालों, क्योंकि अब तो दूर जो है उनका पहुंचना संभव नहीं है, ऐसे में मैं अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली के उन दर्शकों से, दिल्ली के उन सहारा पीड़ितों से निवेदन करता हूं कि बारिश के बावजूद इस स्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी आप अपने घरों से बाहर निकलें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं और इस आंदोलन के सहभागी बने। मैं शाम को इस आंदोलन से जुड़ी हुई नई अपडेट लेकर आऊँगा। तब तक नमस्कार।